अगर हस्बैंड ने लेट के ये कह दिया कि हमको एक ग्लास पानी दे दो, तो जहां वाइफ का ये जवाब होता था, क्या तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम उठ के नहीं ले सकते हो, वहां पे उसके दिमाग में आया कि दे देते हैं, ये चेंज आया। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, काउंसलर, फैमिली कोच। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि मैं विगत 12-13 वर्षों से ये कार्य कर रही हूँ। इस दौरान बहुत सी चीजें आई जो हमारे नित प्रतिदिन के जीवन में जरूरत होती है। इन्हीं में से हम बहुत सी समस्याओं को देखते हुए हमने देखा कि ज्यादातर विवाह को लेकर के बहुत मन में भ्रांतियां होना, विवाह के बाद जिंदगी को कैसे चलाया जाए, बहुत तरह की चीजें हैं। अभी ताजा तरीन कुछ समय पूर्व की बात है, मेरे पास एक केस आया जिसमें कि जो दंपति थे, वो नौ दंपति भी नहीं कहे जा सकते, उनके पास एक 5 साल का और एक 7 साल, 2 बच्चे थे उनके पास, और दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे। दोनों में जो समस्याएं निकल के आई, हालांकि वो मेरे पास आए तो थे डाइवोर्स का ही लेकर के आए कि मुझको डाइवोर्स चाहिए, तो हमने बहुत तरीके से उनसे बात किया, तो बहुत सी चीजें निकल करके भी आई, तो हमने देखा इन दोनों के मध्य में कोई एक इशू नहीं था। कभी वो अपने रिलेशन को लेकर के, कभी बच्चों की जरूरतों को लेकर के, कभी पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, कि वो खुद भी कंफ्यूज थे, वाकई में हमारी प्रॉब्लम है क्या, इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं कि अब हमें अलग हो जाना है, तो हमारे पास हम कुछ बताने के लिए होना चाहिए, हम इस वजह से दुखी हैं। और जो उसमें सबसे पहला हमने जो निकाला इनकी बातचीत से, वो हमने देखा कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, और बड़ा अफसोस भी हुआ कि उनकी अवस्था, खुद की अवस्था, जो लेडी थी उसकी अवस्था निश्चित रूप से 39-40 रही होगी, और जो जेंट्स था उसकी ये अवस्था 42-43 ऐसे थी, तो मतलब ये मैच्योर भी थे और 2 बच्चों के पेरेंट्स भी थे, तो उसमें भी इन लोगों के पास बात का ना होना कुछ अपने आप ही एबनॉर्मल स्थिति को दिखाता है। उसके बाद हमने उनसे ये प्रश्न पूछा कि आपको किस बात से ज़्यादा परेशानी है। उसके बाद फिर हमने उनसे पूछा कि आपने अभी पेरेंट्स की बात की, तो किसके पेरेंट्स से ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और फिर उन्होंने उनसे लास्ट पूछा अब इसके पेरेंट्स के अलावा फिर किसके बाद किसके आपको प्रॉब्लम पहुंच रही है आपके, तो फिर इवन बच्चों का भी नाम ले लिया उन्होंने। जब उसको हम लाइन अप करने लगे इनकी प्रॉब्लम्स को, तो हमने सबसे पहला उनको यही सजेस्ट किया कि पहले तो आप लोग जो अबोलापन है, एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, वो बिल्कुल चुप होकर के कभी खाना खा भी रहे हैं तो भी चुप हैं, और आप कहीं जाना अगर उन लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता रहा होगा तो भी चुप हैं, मतलब कुछ बात ही नहीं करते। हमने चूंकि बच्चों से भी हम लोगों को बात करनी पड़ती है, तो ये बात हमने उन लोगों से पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम लोग जरूरत भर की बात कर लेते हैं। अब ये नहीं समझ में आया कि जरूरत भर की बात का क्या मतलब है, पानी लोगे, हाँ लेंगे, खाना खाओगे, हाँ खाएंगे, यही है जरूरत भर की बात। बेटी जो उनकी 7 ईयर्स की थी, उसने हमसे ये कहा, हमारे मम्मी पापा हमारे दोस्तों के मम्मी पापा जैसे बात नहीं करते। अब इससे फिर काफ़ी चीज़ समझ में आई कि बच्चे महसूस कर रहे हैं कि हमारे घर में पेरेंट्स एक नॉर्मल ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने उनको इसके बारे में और उसको सजेशन दिया, जिसमें वैसे तो ये हर दंपति पे अलग अलग ही अप्लाई होता है, लेकिन चूंकि मैं केस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हमने कहा कि आप लोग कम से कम थोड़ा बात करें, तो उन्होंने कहा बात क्या करें मैडम, हम लोग तो किसी भी पॉइंट पर लड़ने लगते हैं। तो हमने उनको पॉइंट्स बताए, उनको हमने कहा कि भाई जो आजकल का वातावरण है आप उस पर बात करें, और आप जहाँ आते हैं, दोनों लोग जहाँ साथ जाते हैं, वहाँ के माहौल के बारे में बात करें। उनको हमने टॉपिक्स दिए कि इस पर आप लोग बात किया करिए, तो देखा कि बात करें, करना शुरू किए, तो कुछ उनके पास, क्योंकि शुरू में तो बहुत बोझ लग रहा था, उनको ये भी पता था अगली बार जाके हमको मैम को बताना भी है कि हम लोगों ने क्या बात किया, क्या जवाब दिए, तो उनको सोचना भी पड़ता रहा होगा। इस पर हमने देखा कि हमारे इस सजेशन को जब उन्होंने अप्लाई किया, तो धीरे धीरे उनके पास बात इकट्ठी होने लगी, उनको पता चलने लगा कि हाँ हमको बात करनी है। दूसरी बात, जो उनके पेरेंट्स से आ रही थी, लड़की के माँ बाप बहुत दुख में, बहुत परेशानी में, उस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, लड़कियों को बताने लगे थे। लड़के के परिवार वाले बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो अगर ये बताते भी थे तो बिल्कुल तुम अपने ऐसे देख लो, तुम इतने बड़े आदमी हो गए हो, तुम 2 बच्चों के बाप हो गए, तुम अपनी परेशानी नहीं समझ सकते हो, तो उनका एकदम इन्वॉल्व ना होना
लड़के को हिट कर रहा था, और लड़की के पेरेंट्स का ज्यादा इन्वॉल्व होना वो भी लड़के को हिट कर रहा है, क्योंकि वो तो लड़की की तरफ से बोल रहे थे, तो लड़की को समझ में नहीं आ रहा था और लड़के को हिट कर रहा था। तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि जो मेल मेंबर है वो दोनों तरफ से परेशान हो रहा है। निश्चित सी बात है कि अगर जो फीमेल थी इनके पेरेंट्स को हमने रोका कि अब आप लोग छोड़ दीजिए, पेरेंट्स हम लोग हैं, हम लोगों को बात करने दीजिए। जब उनका इन्वॉल्वमेंट बंद हुआ तो जैसा आप समझते हैं कि मोबाइल तो रहता ही है, हमने मोबाइल पर भी रोक लगाया कि मोबाइल पर आप बात करेंगे तो सिर्फ संडे को बात करेंगे, क्या बात करेंगे वो भी हमने बताया। इस तरह से करने पर हमने देखा कि जो एक तो इनके पास बोलने का बहुत कम रहता था, तो बोलने के मटेरियल कुछ ज्यादा इकट्ठा हुआ। अगर हस्बैंड ने लेट के ये कह दिया कि हमको एक ग्लास पानी दे दो, तो जहां वाइफ का ये जवाब होता था क्या तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम उठ के नहीं ले सकते हो, वहां पे उसके दिमाग में आया कि दे देते हैं, ये चेंज आया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी के पेरेंट्स ये समझाया होगा, लेकिन जब आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि हमको पति भी प्रेम करता है ये नहीं दिखता है, वो लड़का ऐसा करता है ये दिखता है, आखिर उसी ऑफिस से तो ये भी चल के आती है, इनको पानी दे, ये मदर की लाइन थी। धीरे 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 ये चीज़ें निकल करके आई कि ये आपस में कुछ बात करने लगे। ऐसा नहीं था कि लड़के ने कुछ नहीं कर, लड़के से भी हमने करवाया, बच्चों को भी देखना शुरू किया उसने, और अपनी वाइफ की मेरे कहने से अपनी वाइफ के साथ बैठ के चाय बना पीता था, तो शाम की चाय हमने इन लोगों पर रखा था कि आप लोग शाम की चाय आपके हस्बैंड बनाएंगे और आप दोनों लोग बैठ के पियेंगे, चर्चा क्या करेंगे ये भी बताया था, तो वो उन्होंने करना शुरू किया। अब आती है बच्चों की बात। उन पेरेंट्स को ये नहीं पता चल पा रहा था कि बच्चे हमारे इतने अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे हैं, जरा सी शैतानी करते थे तो इतना खींचना शुरू कर देते थे, बच्चे शैतानी करते थे पति पत्नी लड़ने लगते थे। हमने हस्बैंड को अलग से कहा कि आप बच्चे की एक्टिविटी देखिए, उनकी वाइफ से कहा कि आप अपने बच्चे की एक्टिविटी देख करके दो एक्टिविटी सिर्फ लिख करके मेरे पास लाएंगी, तो कम से कम अब वो उनका माइंड इंतज़ार करता था कि बच्चे कुछ करें, तो चूंकि वाइफ के दिमाग में ये था तो अब वो खींचना वाला पार्ट नहीं आता था, अब वो इंतज़ार करती थी कि ये कुछ एक्टिविटी करेगा तो हम इसको मैम को बताना है, ये उनके दिमाग में रहता था। हस्बैंड से कहा था कि भाई आप इसका जो कुछ ये लिखता है, जो कुछ पढ़ते हैं दोनों बच्चे, आप उसको चेक करिए, देखिए। बच्चों को ये बताया कि भाई आप आकर के जो भी, अगर मैम ने आपको गुड दिया है, बच्चों को आप देखिए स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के जो टीचर्स होती हैं वो गुड दे रहे तो स्माइली फेस बना देती हैं, आइसक्रीम बना देती हैं, टॉफी बना, तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो हमने अपने उनके बच्चों से भी कहा कि आप अपने मम्मी पापा को ला के दिखाएंगे स्टेज को। पहले तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पहले बच्चे ही नहीं तैयार हो रहे थे, यानी पापा गुस्सा करते हैं, मम्मी तो फिर भी देख लेती लेकिन मम्मी भी गुस्सा करती हैं। तो ये बच्चों देखिए, हम कहते हैं ना कि ये तो अभी बच्चे हैं, जब हम लड़ने लगते हैं तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि बच्चे हमारे क्या सोच रहे हैं, इतने हम गोल हो जाते हैं। पहली बात तो यही है कि आप अगर बच्चे पैदा करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी भावनाओं की कद्र करें। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने बच्चों के इस रूप को भी एक्सेप्ट करना शुरू किया तो फिर अच्छा लगने लगा। हमने उनको मंदिर जाना बताया, उनको मॉल जाना बताया, उनको शॉपिंग कैसे करनी है ये बताया, कैसे खर्च करेंगे पैसा, क्योंकि एक इशू पैसा भी था, तो उनको उस पर भी हमने बताया कि आप कैसे खर्च करें, कैसे किन चीज़ों पर आप अपने को रोकें, कहाँ पे किस तरह से समझाएं। तो ये हमारी एक लंबी प्रोसेस चली। हमको बड़ी खुशी है कि आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं और हस्बैंड वाइफ कम से कम एक दूसरे की कीमत करने लगे हैं। उनको ये समझ में आ गया है ये मेरा परिवार है, हम अपने परिवार के अच्छे बुरे के जिम्मेदार हम खुद हैं। जो एक हमारे समाज के लिए, हमारे कोर्ट के लिए, हमारे हम सब के जीवन के लिए जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि ये दंपत्ति हमारे पास तलाक लेकर आया था। समय ज़रूर उसने भी दिया, हमने भी दिया, और हम कहते हैं हमारी अदालतें भी हमारे प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं, तो उन्होंने भी इस बात का समय दिया कि आप लोग इस पर पहले बात करें, काउंसलिंग करें। हमें बहुत खुशी हो रही, उनका पूरा चेहरा याद आ रहा है कि ये चारों लोग इतने खुश थे, और लास्ट डे तो जिसमें हमने अपनी काउंसलिंग को ओवर किया, लेकिन इसके साथ ओवर किया कि आप बिल्कुल रहेंगे, कभी कभी ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। और उनके पेरेंट्स भी आए थे, बुढ़े पेरेंट्स थे, बड़ा वो भी लग रहा था, लेकिन बहुत खुश थे वो लोग। हम सबको इस बात की खुशी है कि एक परिवार जो टूटने की कगार पे था वो बच गया। तो इस तरह से हम, मेरी इच्छा होती है कि आप हम सब जब मन में ये विचार आए, मन में भी आए कि मन कहीं दुखी हो, मन ये हो कि नहीं अब हमें अलग हो जाना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि मेरे इस वीडियो को ज़रूर आप एक बार देखें और इस पर विश्वास करें, क्योंकि ये हम सब के बीच से ही निकली समस्या होती है,
और हम सब में ही इसका समाधान भी होता है, तो हम लोग इसको आगे लेकर के चल सकते हैं। धन्यवाद।